सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बेरोजगार रखना और मुफ्त का राशन दे के उन लोगों की वोट खींचना, ये बीजेपी का हाल हो गया है। हाँ बहन जी की तरफ है रुझान पूरा, हम नंद किशोर बूढ़े भाई को जितवाने का गाजवास प्रयास करेंगे पूरा। तो मैं भी तो बहन जी का याद हूँ, पर डोली शर्मा को वोट दूंगा। महंगाई तो भैया बहुत है, क्योंकि हम आम जनता के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि कैसे कैसे हम बच्चों को कर रहे हैं, स्कूलों में फीस इतनी ज्यादा है कि भाई हम कैसे करते हैं हमें पता होती है। 10 साल में जी व्यापारी तो बिल्कुल ही टूट गया, जो निचले सतर का व्यापार है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। लो मोदी जी कह रहे थे मैं चाय वाला हूँ, आप कह रहे हो चाय वालों का भी काम नहीं चल रहा। चाय वाले तो प्रधानमंत्री भी, यहाँ तो चोपड़ा सिरा बनने। अच्छा, वो तो प्रधानमंत्री बन चुके, तो चपरा सिरा बनने। अच्छा सर, विकास के लिए सरकार चाहिए, ये नहीं धर्म के नाम पर झूठ लड़ाई लड़ी जाए। गाजियाबाद में डोली शर्मा और अतुल गर्ग की बराबर की टक्कर है। लगातार सरकार रहेगी एक ही तो घमंड हो जाता है। घमंड हो रहा है क्या इस सरकार? घमंड है। सीसीए में आपका स्वागत है। अभी हम गाजियाबाद सीट की जटवाला मार्केट में हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जाटव समाज और वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं और चुनाव का दूसरा चरण जल्दी आने वाला है। इस सीट पर भाजपा ने अतुल गर्ग को टिकट दिया है, बसपा ने नंदकिशोर पुंडीर को, और गठबंधन से सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर डॉली शर्मा जी खड़ी हैं। आए लोगों से पता करते हैं चुनावी रुझान फिलहाल कैसा है। नमस्ते अंकल जी, आपसे शुरू करते हैं। हाँ जी, जय भीम जी। जय भीम जी, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार है जी। मनोज जी, चुनाव आ रहा है, क्या रुझान है बन रहा है इस बार यहाँ? रुझान बहन जी का बहुत बढ़िया है। बहन जी का यहाँ रोल दिया है बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो क्या इस बार ज़्यादातर आपको लग रहा है कि यहाँ समाज बहन जी की तरफ ही जाएगा या बटेगा, क्या लग रहा है? बहन जी की तरफ जाएगा ज़्यादा समाज। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर जैसे नंद किशोर पुंडीर भी तो बहन जी की पार्टी से हैं, लेकिन उसके साथ साथ डॉली शर्मा गठबंधन से, और गठबंधन लोग जाएंगे, गठबंधन में भी आपको लग रहा है? हाँ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहन जी का रुझान अच्छा है। ज्यादा रुझान आपको किसका लग रहा है? बहन जी का लग रहा है। बेहतर बहन जी का लग रहा है, ठीक है। और ये बीजेपी की तरफ कुछ रुझान लग रहे हैं? नहीं, इधर कुछ रुझान नहीं है जी बीजेपी। हाँ बताइए सर। महंगाई, नौकरी भी नहीं है। हाँ जी, महंगाई इतनी ज्यादा कर रखी है कि मजदूर तो परेशान है। 500-600 रुपए लेता मजदूर, मंडी में घुसेगा ना तो उसमें मुश्किल से 15 रुपए बचेंगे, जब सब्जी वब्जी घर लेके जाएगा मुश्किल से 15 रुपए बचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। हाँ जी, धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी, ये बताइए फिर, आप मजदूरों के लिए, आपने कहा बहुत मुश्किल समय रहा है पिछले 5 साल या 10 साल ही बोल रहे हैं, अब तो इनके 10 साल हो गए सरकार के, इन लोगों का तो लेकिन हर बार ये कहना होता है हम तो मुफ्त का राशन दे रहे हैं उससे। सच बात है जी, राशन दे रहे हैं ये सच बात है, तो इसी बेस के ऊपर लेडीज एक भी वोट नहीं गिर रही है, वो सब बीजेपी को देंगे। अच्छा, लेडीज बीजेपी पे जा रही है? लड़ाई है मियां बीवी की आपस में। अच्छा, उन्होंने कहा तू गंजा खाने को दे रहा। अच्छा हाँ, जो हमें खाने को दे रहा हम तो उसे वोट देंगे। अपाइज करना, बेरोजगार रखना, बेरोजगार रखना और मुफ्त का राशन दे के उन लोगों की वोट खींचना, ये बीजेपी का हाल हो गया है, और वो लोगों को बिल्कुल मोहताज करना चाहता है। तो मतलब आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन रोजगार नहीं है, बच्चे महंगाई भी बढ़ महंगाई बढ़ गई है, ये चीज जरूरी है। तो आप बताइए, अभी आपके पास ही आते हैं आप, तो फिर इस बार बताइए यहाँ चुनावी रुझान क्या बन रहा है? देखिए साहब, ये तो सब अपने अपने दिल की बात है, ना जाने कोई किसको वोट देवे। मतलब लेकिन बहन जी डॉली शर्मा किस तरफ? आप किसी की नहीं कह सकते। आप किसी की नहीं कह सकते? हाँ, जो भी बूथ पर जाने के बाद में आदमी का मत बनता वो वहीं वोट करता है साहब। ठीक है साहब। हाँ जी, नमस्कार साहब, जय भीम। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम है भैया मिंटू जाटव। मिंटू जी, ये बताइए आप ये दुकान चला रहे हैं राशन की, कैसे रहे हैं आपके बिजनेस के लिए? दस ये बिजनेस जब से मोदी सरकार आई है, जब से जो मामला जो है फ्लॉप होता जा रहा है बिजनेस का, महंगाई के प्रति जो ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो न, जो व्यापार खत्म कर चुका है, वो जितने मॉल वगैरह बन रहे हैं उससे छोटे व्यापारी जो है उनका जो दब रहा है, जितनी महंगाई हो रही है उतना यानी कि ग्राहक मार्केट में नहीं आ रहा है। तो ये बताइए आप इस सरकार से परेशान लग रहे हैं, आपकी तो दुकान पर बहन जी के पर्चे भी लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से रुझान क्या आपका उसी तरफ है? हाँ बहन जी की तरफ है रुझान पूरा, हम नंद किशोर बूढ़े भाई को जितवाने का गाजवास प्रयास करेंगे पूरा।
ये बताइए, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि यहाँ थोड़ा रुझान दो तरफ बटा हुआ है, नंदकिशोर पुंडीर और डॉली शर्मा की तरफ, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ का जितना भी वोटर होगा वो बहुजन समाज पार्टी का देने का काम करेगा। क्या नाम हुआ साहब? नौजवान हो इतना क्या? अमित। अमित, एक सेकेंड अमित, थोड़ी भीड़ छटके। अमित करते क्या? व्यापारी हैं जी। व्यापारी हैं। कैसा रहा है 10 साल व्यापार के लिए? 10 साल में जी व्यापारी तो बिल्कुल ही टूट गया, जो निचले सतर का व्यापार है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अच्छा, क्या व्यापार करते थे वैसे? व्यापार क्या था कि बेवरेज वगैरह, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह का था, वो सब चौपट हो गया। जब से कोविड लगा है उसके व्यापार बिल्कुल ही ठप हो गया। उसके बाद जैसे कुछ कहा था कि छोटे व्यापारियों के लिए हम कुछ वो रिलीज करेंगे, सॉफ्ट लोन्स वगैरह शुरू करने के लिए, कुछ मिला था? कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। ठीक है, तो चुनाव आ रहा है, अभी क्या सोच रहे हैं आप? चुनाव आ रहा है, बहन जी के साथ हैं, या ज़्यादातर जो बहुजन समाज है बहन जी के साथ हैं। जी, तो आप बीजेपी से तो बहुत नाराज़ लग रहे हैं, तो वो तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन बहन जी और डॉली शर्मा की तरफ भी क्या रुझान है? बहन जी की तरफ ही रुझान है इधर समाज, वैसे 90% तो बहन जी के साथ ही है, 10% डॉली शर्मा के साथ है। ठीक है, ठीक है, आइए और लोगों से भी बात करते हैं। आप साहब कुछ कह रहे थे? जी सर, हम क्या कहेंगे, बोलो ना मामा। क्या नाम हुआ मामा जी आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी क्या करते हैं? सुरेश जी थोड़ी चाय का फुटपाथ लगा रहा है, मोदी के भैया हैं छोटे से। अच्छा, वो चाय बिक्रेता, हम भी चाय बिक्रेता। अच्छा, आप भी चाय वाले हैं उनकी? हाँ, छोटे से। ठीक है, तो चाय वालों के लिए चाय भी ना बिक्री। अच्छा, अब तो चाय भी ना बिक्री है। लो, मोदी जी कह रहे थे मैं चाय वाला हूँ, आप कह रहे हो चाय वालों का भी काम नहीं चल रहा? चाय वाले तो प्रधानमंत्री, यहाँ तो चोपड़ा सीना बनने। अच्छा, वो तो प्रधानमंत्री बन चुके, चपरा सीना बनने। अच्छा, तो भाई हमारा ये है कि थोड़ा काम धंधा चलना चाहिए, सरकार किसकी भी हो। हाँ, हम ये नहीं कि मोदी सरकार गलत है या कोई सरकार गलत है, सही बात, हमें पब्लिकली काम चाहिए खाली थोड़ा सा, बस। काम हुआ नहीं, क्या काम हो रहा? विकास के नाम पर पब्लिक लूट रहे हैं, सिलेंडर बांट दिए, सिलेंडर बांटने वहाँ फ्री है, ऐसे खत्म हो गए, कभी 1400 का हो गया, 1500 का हो गया, अब 850 का, इलेक्शन के बाद 1500 फिर हो जाना, फिर महंगा हो गया, मतलब सिलेंडर बहुत महंगा हो गया जो तो गरीब आदमी को थोड़ा मारा चाहिए, मसला चाहिए, बस ये है, बस सिर्फ विकास के लिए सरकार चाहिए, ये नहीं धर्म के नाम पर झूठ लड़ाई लड़ी जाए, कि धर्म के नाम पर भैंक आ रहे हो, कभी मुसलमान कर रहे हो, हिंदू कर रहे हो, कभी राम भक्त कर रहे हो, किसी सीता भक्त कर रहे हो, कृष्ण भक्त कर रहे हो, उस चीज़ को छोड़ के ना सिर्फ विकास के नाम पर सरकार, तो बिरादरीवाद बहुत हुआ है इस सरकार में आपको लगता है? हमें ये नहीं कह रहे हुआ है नहीं, बनाएंगे उतने, यानी कि देश के अंदर जो है आदमी भिखारी पैदा होगा, जितने जितना विद्यालय कॉलेज बनेगा उतना शिक्षा के दौर में आदमी डॉक्टर जज वगैरह आईएएस बनेंगे आईपीएस। तो आप बताइए, इन लोगों ने, आपने भी अपना मत रखा, चुनाव आ रहा है, क्या सोच रहे हो, किधर वोट करने की सोच रहे हैं? भाजपा से तो आप बहुत नाराज लग रहे हैं, तो नाराज नहीं, भाजपा से नहीं, हम भाजपा सरकार सर किसी नाराज नहीं है। चलिए वो ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि धर्म से आगे काम होना चाहिए, जो आपको, हम तो बाबा साहब अनुराग के नीले झंडे पे पैदा हुए, नीले झंडे में मरेंगे, नीले में दफनाए जाएंगे। आप क्या बहन जी के साथ इस बात जा रहे हैं? हम नीले झंडे के अंदर, नीले झंडे की तरफ ही जाएंगे वैचारिक रूप से, आप पहना उसमें हुए, मरेंगे उसके अंदर, दफनाए उसके अंदर जाएंगे, हम तो सीधे आ जाएंगे। बहुत खूब, लेकिन बहन जी जो थोड़ी एक्टिव नहीं रही है पिछले सालों में, कम दिखी, आ जाएगी निकल के, आ जाएंगे। हाँ, कुछ साल पहले बीजेपी गायब थी भाई, बीजेपी 10 साल से निकल के आ रही है, बीजेपी 10 साल से ही निकल के आ रही है, अटल बिहारी जमाने, अटल बिहारी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, उन जैसा प्रधानमंत्री नहीं है, उसके बाद उससे पहले बीजेपी गायब थी। अच्छा, उससे पहले बीजेपी गायब थी, ऐसे लग रहा है इनका भी वक्त आएगा जब बहन जी निकल के आएगी। ठीक, ठीक है दीदी, ये बताइए 10 साल क्या करते हैं दीदी? 10 साल क्या कहते हैं, मतलब नहीं, आप क्या करते हैं, आप काम क्या करते हैं? मैं तो जो वो करती हूँ, कहते हैं खाना बनाने का काम करती हूँ। खाना बनाने का काम करते हैं, कहाँ पर? घरों में खाना बनाती हूँ। अच्छा, खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, 10 साल अभी जो इन सरकार के रहे हैं उसमें आप मजदूरी कर रहे हैं, किस तरह का रहा है, मतलब महंगाई के माध्यम से देखे क्या बेहतर हुआ है? महंगाई तो भैया बहुत है, क्योंकि हम आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैसे कैसे हम बच्चों को कर रहे हैं, स्कूलों में फीस इतनी ज़्यादा है कि भाई हम कैसे करते हैं, हमें पता होती है। तो इधर सरकारी स्कूलों में कोई सुधार नहीं आया कि बच्चों को वहाँ? सरकारी स्कूलों में भी सुधार है, लेकिन इतना नहीं है कि कत अच्छे तरीके से बच्चों को करा जाता है हैंडल, नहीं, जब ही तो हमें प्राइवेट में डालना पड़ता है, और प्राइवेट में फीस इतनी महंगी है तो उसमें भी नहीं कर पाते, सरकारी में ही फिर करवाया है हमने, तो सरकारी में करवाया है, लेकिन खुश नहीं हो इतना सरकारी? हाँ, सरकारी में ही मतलब बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, अगर बच्चा टीचर ही नहीं आते पहली बात, तो बच्चों पे ध्यान तो जब देंगे ना। घर पे आदमी क्या करता है? घर पे आदमी भी भैया देखो ऐसे ही सफाई का और उसका ही काम करता है, मतलब हम मतलब इतने तो मजदूरों के लिए कैसे रहे हैं 10 साल? खास अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन कहते हैं हाँ महंगाई तो बहुत है, हम हाँ
जितना हो सके, तो अगर कम हो जाए हर चीज तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो सरकार तो कहती है मुफ्त का राशन दे रहे हैं ये सब भैया, एक राशन से ही थोड़ी होता है, और भी बहुत चीजें होती है मतलब होनी चाहिए। बाकी सुविधाएं नहीं आ रही है उस तरीके से, हर चीज की सुविधा हो तो। एक बिजली यहाँ पे इतनी महंगी है, वैसे भी बहुत खर्चे हैं। यूपी की घरेलू में बिजली तो काफी महंगी है। तो ये बताइए फिर आप वोट कहाँ करने के सोच रहे हैं इस बार? अभी तो सोचा नहीं है, अब देखेंगे, अब अगर कुछ सुधार हुआ तो फिर आगे देंगे वोट। अभी नहीं मन बना है? अभी मन नहीं बना। लेकिन 10 साल की सरकार से आप कह रहे हो मजदूरों के लिए अच्छी नहीं रही? हाँ, महंगाई तो अभी बहुत है भैया, देखो घर के बजट कितने खराब हो गए, क्योंकि बहुत एकदम खराब चल रहा है इस टाइम पे। लेकिन वो ये ना करता है इंसान कवर, लेकिन इतना नहीं करता। सिलेंडर के दामों से कितना फर्क पड़ा है? सिलेंडर अभी तो सस्ता हुआ, नहीं तो 1000 रुपए से ऊपर का था सिलेंडर। अभी 200 रुपए ही तो कम हुए। ठीक है दीदी, नहीं तो पहले तो बहुत अच्छा। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कह रहे थे साहब? मैं ये कह रहा था साहब, अभी अभी जो सिलेंडर सस्ता करा है, कई योजना निकाली है, मंथ में 2 बार बोलने राशन फ्री देने के लिए वो करा है, ये वोट लेने की वजह से करा, बाकी और कोई सुविधा पब्लिक के लिए क्या करा? कोई कॉलेज नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई गरीबों को मकान नहीं, कोई सुविधा करी हो जनता के लिए वो बताइए ना। तो ये बताइए आपकी, क्योंकि यहाँ दुकान भी है, आपके लिए व्यापार कैसा रहा है? छोटे दुकान संकट में रहा है, ये 10 साल जो गुजरे हैं बहुत संकट में। कभी भी आपत्ति आ जाती है, कभी ये हटाओ, कभी वो हटाओ, कभी GST नंबर, कभी कोई नंबर, कभी कुछ, मतलब कुल मिला करके ये है कि हम रोजगार कर रहे हैं बट परेशानी में ही डर डर के करें। तो क्या बताइए, मैगी इन्होंने नहीं बनाई थी, ये मैगी इन्होंने बनाई, सरकार बना के बेच रही है, इस पर छापे पड़ते रोजाना के। इस पर क्या छापे पड़ते हैं आके? अच्छा। कभी कचरी में छापे पड़ते हैं, कभी किस पे छापे पड़ते हैं, जैसा त्योहार आता उस तरफ छापे डालनी शुरू करती है गवर्नमेंट आके। मतलब इन चीजों पर छापे क्यों पड़ रहे हैं जो आप बना रहे हैं? क्या मतलब किस बात के छापे? ये पता नहीं, छोटे दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, कंपनियों को बंद नहीं करते, कहते हैं कलर है इसके अंदर, कलर है इसके अंदर। अब हमें आके कलर बताते हैं, कंपनियों को बंद करें ना, हमारे पास कहाँ से आ रही है? हम घर में बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है, उनसे गवर्नमेंट पैसा वसूल रही है, यूज कर रही है, क्या कर रही है हमें पता नहीं। हमें माल मिल रहा, हम बेच रहे हैं अपने। कुल मिला के हमारी सिंह में ये सरकार नहीं आई है, हम इस सरकार को चाह रहे हैं कि ये सरकार को बदलना चाह रहे हैं। कहाँ जाने की सोच रहे हैं यहाँ, अगर आप बदलना चाह रहे हैं? दो मुख्य को वोट देंगे, अपनी बहन जी को वोट देंगे, हम उसको सपोर्ट करते हैं शुरू से ही। आओ जी, नमस्कार जी, बात करेंगे 2 मिनट। क्या नाम हुआ? विजय नाम है मेरा। विजय जी क्या करते हैं? नगर निगम में। नगर निगम में है, वहाँ पर क्या करते हैं नगर निगम? सफाई करते हैं। तो 10 साल कैसे रहे हैं मजदूरी जो करते हैं उनके लिए? अच्छा, 10 साल कहीं सही गुजरे हैं हमारे जनता पार्टी से। अच्छा, संपर्क रहे हमारे जनता पार्टी वालों के। जनता पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूँ मैं। पहले पहले कांग्रेस कट्टर था, अब बीजेपी कट्टर। कांग्रेस ने कुछ करा नहीं, जब हम बीजेपी में आए। तो बीजेपी ने क्या किया है हमारे लिए? बहुत कुछ कर रहा है, थोड़ा सा बताइए। हमें व्यवस्था सब कुछ दे रखी है भैया। कैसी व्यवस्था? नौकरी चाकरी सब कुछ सही है। नौकरी चाकरी तो आप 32 साल से कर रहे हैं ना, वो तो कांग्रेस के समय पर आई थी नौकरी आपकी, अब क्या मिला है? अब भी मिल रहा है, सही तनख्वाह मिल रही है, सही काम हो रहा है। क्योंकि जो आप कह रहे हैं सफाई कर्मचारी, कई जगह सफाई कर्मचारियों के काम अब तो कॉन्ट्रैक्ट पर हो गए हैं, जो आपको कांग्रेस के टाइम पर सरकारी मिले थे। अब जो नए वाले हैं सफाई कर्मचारी, उनको तो कॉन्ट्रैक्ट पर मिल रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं हो रही है? बहुत दिक्कत है उनसे, तो अब वही सरकारी जो हमारी नौकरी वही जा रहे हैं, सबली चलेगी। अब हम हैं कितने जने? 150 आदमी है सगले नगर निगम में। नहीं तो फिर आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी आपकी चली गई, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छी रही है? हमें हमारे लिए तो अच्छी है जी, कहीं ना कहीं हमारा गुजारा चलेगा। इनकी नौकरी ना गई इसलिए अच्छी है। अच्छा, जिसकी नौकरी चली गई उसके लिए बुरी है। आपका नाम क्या हुआ? राकेश कुमार। क्या हुआ, आपकी नौकरी गई है 10 साल? नौकरी चली गई हमारे अभी तो मंडी में। नौकरी चली गई, ये तो मंडी में काम कर रहे हैं। मंडी में काम कर रहे हो, क्या करते थे पहले काम? ड्राइविंग। ड्राइविंग काम नहीं रहा अब? नहीं रहा। तो मंडी में काम कैसा चल रहा है? मंडी में कुछ नहीं है। मंडी में मंदी है? महंगाई का कुछ नहीं है। अच्छा, मंडी में मंदी है? मंदी है। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं इस बार, मतलब क्या सोचा था योगी सरकार से, क्या उम्मीदें थी मोदी सरकार से जब ये सत्ता में आए थे? सोचा था ये कुछ काम होएगा, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, लेकिन वो जो अच्छे थे वो भी चले गए। अच्छा, आप कहाँ सोच रहे हो वोट कहाँ डालने की? वोट तो बहन जी पे जाएगी। बहन जी पे जा रही है? पूरे मोहल्ले की बहन जी पर जा रही है, ये बट रही है पूरा वार्ड की, वो बहन जी पे जाएगी। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र जी क्या करते हैं? ये पोलोथीन ये लिफाफे बेचते हैं जी। लिफाफे पोलोथीन बेचते हैं दुकान? तो कैसा रहा है 10 साल आपके धंधे के? 10 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, ये राशन जो है दे देते हैं, बहका देते हैं हम पब्लिक को, तो इस राशन लेने से गुजारा नहीं होगा, रोजगार चाहिए। किसको लाने की सोच रहे हैं आप? देखो केंद्र में तो मोदी ही आएंगे।
अच्छा, वैसे सीट गाजियाबाद में कौन आएंगे? गाजियाबाद में डोली शर्मा और अतुल गर्ग की बराबर की टक्कर है। अच्छा, डोली शर्मा अतुल गर्ग की बराबर की टक्कर। लेकिन ये बताइए, अगर अतुल शर्मा ग्वालियर, यहाँ जो हमारे ज्यादातर जाटव समाज है और वाल्मीकि समाज है, उनकी वोट क्या ज्यादा बहन जी पर जा रही है, डोली शर्मा पर या मिक्स? डोली शर्मा पर जा रही है। डोली शर्मा, यहाँ तो सब एक तरफा बहन जी कर रहे हैं। नहीं तो मैं भी तो बहन जी का याद हूँ, पर डोली शर्मा को वोट दूंगा। अच्छा, तो बहन जी लोग कह रहे हैं लेकिन वोट डोली शर्मा नहीं, वो अपनी इच्छा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं तो बाहर से आया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो मतलब किस तरफ आपको लग रहा है रुझान जाएगा? बस बराबर सा लग रहा है। अच्छा, 49 है 50। गाजियाबाद में इन्होंने कहा बहन जी को ये भी पसंद करते हैं लेकिन वोट डोली शर्मा की तरफ जाएंगे। जी नमस्कार साहब, आपका जोड़ा रोक दूं 2 मिनट साहब? हाँ जी, बोलो। क्या नाम हुआ जी? गौरव। गौरव भाई, कैसा रहा ये दिन, कब से चला रहे हो दुकान अपनी? ये तो काफी टाइम हो गया। अच्छा, ये सब्जी मंडी में आप दुकान चला रहे हैं, कैसा रहा है 10 साल? 10 साल बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ, धंधा बढ़ा है? हाँ, बढ़ा भी है और सही है जो भी है, मतलब बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। तो क्या सोच रहे हो इस बार सरकार के बारे में, कहाँ वोट करने की सोच रहे हैं? देखो, अब तो डोली शर्मा की इच्छा है। डोली शर्मा? हाँ जी। तो आप तो कह रहे हैं सरकार अच्छी रही है तो फिर अतुल गर्ग को दो ना? नहीं, थोड़ा चेंज भी तो आना चाहिए ना। हाँ, चेंज के लिए है। चेंज के लिए तो आप डोली शर्मा, अतुल गर्ग जी भी बढ़िया है। हाँ, लेकिन चेंज आ जाए तो ज्यादा बढ़िया। तो आप डोली शर्मा इस बार? हाँ हाँ, डोली शर्मा। डोली शर्मा ठीक है। आइए इनसे भी बात करते हैं, कुछ नौजवान हैं, संजय दत्त वाले बाल हैं इनके। हाँ जी, क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। सौरभ जी, ये बताइए चुनाव आ रहा है, क्या सोच रहे हैं? डोली शर्मा। डोली शर्मा, अच्छा। तो आप देख सकते हैं टक्कर का मामला पड़ रहा है इधर, इधर इस लाइन पे सब बहन जी कह रहे थे, इस लाइन में सब डोली शर्मा कह रहे हैं। क्यों डोली शर्मा पसंद है आपको? चेंज होना जरूरी है ना, घमंड हो जाता है। लगातार सरकार रहेगी एक ही तो घमंड हो जाता है। घमंड हो रहा है क्या इस सरकार? घमंड है। क्या सोच रहे हो भाई, क्या नाम है? विपिन। विपिन, क्या करते हो विपिन जी? बिरयानी ठेली लगा है जी। हाँ, बिरयानी की ठेली। बिरयानी की ठेली है, कैसा रहा है 10 साल धंधे के लिए? बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम। तो क्या बीजेपी सरकार पसंद आई है ना? सही है। हाँ, तो क्या सोच रहे हो इस बार चुनाव में? इस बार क्या सोच रहे हैं जी? बीजेपी को वोट जाएगी। बीजेपी को वोट जाएगी। क्या पसंद? पहले से सुविधा सही हो गई है। हाँ, प्रशासन ठीक है। अच्छा, पहले से प्रशासन में सत्ता ही है। हाँ, सुनी जाती है प्रशासन में। धंधे के लिए कैसा रहा है? लेकिन यहाँ तो बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं, बहुत दिक्कतें हुई हैं। देखो, थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आती हैं। हाँ, सरकार ये भी चेंज होगी, जब दिक्कत आएगी जी। हाँ, तो हर एक चीज की थोड़ी बहुत रहती है। अच्छा, ठीक। सरकार में ऐसी सुनी जाती है, प्रशासन में सारी। आपको लग रहा है चीजें सुधरी हैं, प्रशासन सुधरा है? हाँ जी, बिल्कुल सुधरी है। लेकिन जो पेपर लीक हो रहा है, आप कह रहे हो सुरक्षा सुधरी है, कानून व्यवस्था सुधरी है, पेपर लीक हो गया, 69,000 नौकरियां चली गई बच्चों की। सर, हर इंसान एक जैसे नहीं होता। मोदी क्या आके देख रहे हैं? यही तो नीचे की तो कर सकते हैं। आप कह रहे हो कि भाई सुरक्षा सुधरी है, उसका आप श्रेय दे रहे हो मोदी को, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो कह रहे हो उसका हम आरोप नहीं लगा सकते। सर, ये कैसी दो सुनो, प्रशासन वो टाइट ही तो कर सकता। हाँ, ऊपर से ऑर्डर आएंगे, प्रशासन टाइट कर रहा है। अगर प्रशासन टाइट होता है तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर प्रशासन खराब काम करता है तो प्रशासन की गलती है। हाँ जी, प्रशासन की ये गलती है, प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा? चलिए, इसी को भक्ति कहते हैं। चलिए, आप शुक्रिया। क्या नाम हुआ अंकल जी? मेरा नाम नंदलाल है जी। नंदलाल जी, क्या करते हैं? हम केला बेच रहे हैं। आपका ठेला है? 10 साल कैसे रहे सरकार के आप लोगों के लिए, जो यहाँ ठेले लगा, रेडी पटरी जो लगाते हैं आप लोग? चलिए, आप इस काम जैसे कैसे चला ही रहे हैं, जैसे बाई टाइम बहुत परेशानी आ जाती है। हाँ जी, तो कोई सुविधाएं नहीं मिली है? पट्टी पे तो जगह ही नहीं है खड़े होने की। सरकार कहती है नाले से भी जो ठेले लगाओ, कहाँ लगाएंगे? अच्छा, कोई सुविधाएं बनी नहीं है? कोई सुविधाएं नहीं बनी है। तो ये जगह, ये जगह पहले दुकान सरकार ने, पहले दुकान की थी यहाँ पे, दुकान तोड़ के शौचालय बना दिया, आप कहाँ जाएंगे ठेले वाले, कहाँ जाएंगे? अरे भाई साहब, तो आपका यहाँ मतलब दुकान लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी? नहीं, कोई जगह नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? हम क्या, हम तो सरकार के साथ ही है, जो सरकार आएगी, जो सरकार आएगी उसी के साथ है, उसी के साथ हम तो। अभी हम जटवाला, गाजियाबाद सीट के जटवाला सब्जी मंडी में यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं राय मिली जुली है, ज़्यादातर लोग या तो कह रहे हैं कि यहाँ बहन जी के नंद किशोर पुंडीर को या सपा कांग्रेस के डोली शर्मा को वोट देंगे। गाजियाबाद जो एक तरीके से किसी ज़माने में बीजेपी की रिजर्व सीट मानी जाती थी, लेकिन माना जाता था कि यहाँ बीजेपी के ही कैंडिडेट जीतेंगे। कई लोगों का ये भी मानना है कि शायद उनका पलड़ा अभी भी भारी है, लेकिन एक नाराज़गी ज़रूर झलक रही है कुछ हद तक। क्या ये सीट जीतनी इस बार आसान हो पाएगी फिर से भाजपा के लिए, उलट फेर होगा, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जुड़े रहे CCA के साथ। धन्यवाद।